देखिए, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। एक बार के ग्रहण लगने से युग सूर्य ग्रहण के लगने से 5000 वर्ष की आयु युग की घटती है और चंद्र ग्रहण के लगने से 2500 वर्ष की आयु कलयुग की घट जाती है। चंद्र ग्रहण के समय सूतक लग जाने पर जो घर में हैं वह घर में जो मंदिर है डाल दें पर्दा, प्रतिमाओं का स्पर्श न करें, बैठ करके जाप और हवन किया जा सकता है। अगर यज्ञ हवन करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। ग्रहण काल में की गई साधना कभी निष्फल नहीं होती है। तमाम साधक, तांत्रिक, धर्माचार्य इस ग्रहण काल में मंत्रों की सिद्धि करते हैं और अब की बार तो यह 30 वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लग रहा है। इसमें भगवती लक्ष्मी की विशेष साधना की जा सकती है, माता लक्ष्मी की। महाराज, चंद्र ग्रहण के कितने घंटे पहले घर की पूजा पाठ किया, मतलब नहीं किया जाए? 6 घंटे पहले घर में, 6 घंटे पहले मंदिरों के कपाट 9 घंटे पहले बंद हो जाते हैं, लेकिन घर में विषम प्रतिशत में 6 घंटे और अगर हो सके तो 9 घंटे पूर्व से ही पूजन पाठ की, जो आपका पूजन घर है उसमें डाल दे पर्दा, क्योंकि उस पर निगाह नहीं पड़नी चाहिए। प्रतिमाओं का, ग्रंथों का स्पर्श न करें, किंतु मंत्र जाप हो सकता है।